वेल हेलो देयर एंड वेलकम टू एमबीटेक इंडिया। तो जब से MI ने अपना MIUI 12 लॉन्च किया है तो उसके साथ उसने जो कंट्रोल सेंटर दिया है वो काफ़ी लोगों को पसंद आ रहा है। और चलिए आज मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे कोई भी अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन पे अपने ये जो MIUI 12 का कंट्रोल सेंटर है इसको आप इनेबल कर सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और ये वीडियो के एंड तक। और चलिए यही बात हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस जो हम लोग ऐप यूज़ करेंगे ये कंट्रोल सेंटर को इनेबल करने के लिए वो है हमारा मी कंट्रोल सेंटर नोटिफिकेशन क्विक एक्शंस। और ये आपको ट्राइडेव इंक की तरफ से है और आपका ये जो ऐप है ये आपका रिलीज हुआ है। इसके अबाउट एट में देख लेते हैं जो आपका ये वर्जन है 3.5.9 है और ये आपका रिलीज हुआ है 30 जून 2020 को ही रिलीज हुआ है, यानी जस्ट कुछ डेज सम डेज पहले ही रिलीज हुआ है। तो चलिए इसको मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको कैसे करते हैं। तो ये अब हम लोग के मोबाइल में इंस्टॉल हो रहा है और इसमें क्या क्या परमिशन मांग रहा है मैं सब आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में। तो यहाँ पर पहले ये चार परमिशन मांग रहा है। सबसे पहले एक्सेसिबिलिटी का परमिशन मांग रहा है, ये राइट का परमिशन है, पॉपअप परमिशन और नोटिफिकेशन परमिशन। तो चलिए हम लोग एक एक करके सारे परमिशन को ऑन करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एक्सेसिबिलिटी में जाके यहाँ पर मोर डाउनलोड सर्विसेज है इसमें जाके ऐप वॉल्ट का रहता है और यहाँ मी कंट्रोल सेंटर है इसको हम लोग बस यहाँ पर से इनेबल कर देंगे और ये ओके कर देंगे। और बैक करते करते यहाँ पर जैसा कि यहाँ पर हम लोग का इसी से हमें पॉपअप इन बैकग्राउंड का परमिशन इनेबल हो गया है। अब हमें बस राइट परमिशन करना है। बैक जाके हमें फाइनली नोटिफिकेशन का और नोटिफिकेशन एक्सेस में यहाँ पर मी कंट्रोल सेंटर का है इसको हमें बस इनेबल कर देना है और ये पर अलाउ कर देना है। और यहाँ पर हमें डुअल सिम के लिए है तो फोन कॉल्स के लिए इनेबल करना है। और साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारा ये ऐप है हमें इसको रिसेंट टैब्स में ताकि इसको हमें लॉक करके रखना है, यानी बैकग्राउंड में रन करके रखना है इसको ताकि इसको जब हम भी हम लोग क्लियर करें ये हम लोग का क्लियर नहीं हो। क्लियर कर देंगे तो आपका बाय डिफॉल्ट ओरिजिनल नोटिफिकेशन ट्रे जो आपका है वो आ जाएगा। तो आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे हो गया है हम लोग का कंट्रोल सेंटर आ गया है यहाँ पर। तो चलिए मैं दिखाता हूँ इसे कुछ और फीचर्स इसमें आप और क्या क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप जैसे आप जो स्टेटस बार का एरिया है इसको इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं नोटिफिकेशन कंट्रोल से, ये आप कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको लेआउट है तो आप यहाँ पर जो डिफरेंट लेआउट्स है आप इसको लेआउट को चेंज कर सकते हैं। और कुछ और फीचर्स भी है जैसे सर्कुलर बैटरी इंडिकेटर, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बैटरी का इंडिकेटर है वो नॉर्मल बैटरी है। इसको जैसे हम लोग कर देंगे इसका जो बैटरी का इंडिकेटर है वो चेंज हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग पावर विनिंग बटन, नेटवर्क स्पीड मीटर, सेकेंड सिंक क्लॉक ये सब चेंज कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसके बाद जो कलर्स का ऑप्शन है हम लोग इसको यहाँ पर डिफरेंट कलर्स इनेबल कर सकते हैं। तो आप जैसा कलर चाहे ऐसा कलर कर सकते हैं, ये आपके ऊपर पूरा डिपेंडेंट है कि आप कैसा कलर चाहते हैं। और इसका आपका हेडसेट है एक्स्ट्रा है तो आप इसको अपने अनुसार ही इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। तो जैसा क्या देखते हैं मैंने यहाँ पे इसको ग्रीन कलर कस्टमाइज किया हुआ है। तो और यहाँ पर आपको यहाँ पर दिए हुए और साथ साथ आपको दिखा देता हूँ जैसा क्या है यहाँ पर कुछ ही आइकन से और बाकी आइकन यहाँ पर आप जैसे यहाँ पर एडिट करने में जाइएगा तो आपको यहाँ पर और भी जो डिफरेंट टॉगल्स है वो दिख जाएंगे जैसे कि आपके यहाँ पर क्लॉक है, कैमरा है, मी शेयर कास्ट, बेड टाइम मोड, फोकस मोड, जो भी डिफरेंट टॉगल्स रहते हैं वो अवेलेबल है आपके डिवाइस में।
साइड यहाँ पर से आप इसको डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं मेन मेन्यू में, मेन नोटिफिकेशन एरिया में, और फिर यहाँ पर आपको यहाँ पर डन करना है। तो जैसा कि आप देखते हैं यहाँ पर आपका स्क्रीन रिकॉर्डिंग और स्क्रीनशॉट सभी आ गए हैं। आप चाहे तो इसको ड्रैग कर सकते हैं कहीं भी। और जैसा कि आप देखते हैं यहाँ पर जो आपका नोट्स है वो आपका बैकग्राउंड में वर्क कर रहा है, तो इसका भी डिटेल नोटिफिकेशन दे दिया है कि मैंने नोट्स ओपन किया हुआ है, तो इसका भी नोटिफिकेशन दे दिया है। तो ये भी काफ़ी अच्छा एक फीचर है इसका। तो गाइस दैट्स इट, यही थी वीडियो कि आप कैसे आप कोई भी एंड्रॉयड स्मार्टफोन पे जो MIUI 12 का कंट्रोल सेंटर है उसको आप कैसे इनेबल कर सकते हैं। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोग को ये ट्रिक कैसा लगा, और अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और मैं मिलता हूँ आपको एक अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।